राघव राघव जी बताइए क्या मामला हुआ है। बच्चे की डेड बॉडी मिली अलीगढ़ में, 7 साल का बताया जा रहा है और बुलंदशहर का रहने वाला था, यहाँ अलीगढ़ में बॉडी मिली है, क्या कहेंगे इसको लेकर। जो भी हुआ है अपराध तो बहुत ही संगीन है ये, और एक तरह से आजकल कहा जाता है नहीं किसी के साथ में भलवान साथ करने का समय नहीं है, तो उन्होंने जिनका बच्चा है उन्होंने तो कोशिश की थी कि शायद इसके साथ में हम लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन गलती उनकी ये रही कि उन्होंने उसको बिना आइडेंटिफाई किए और उसको रख लिया, और उसका परिणाम है कि उनका बच्चा उठाया और उसका उसी दिन या उसके अगले दिन, ये तो PM हाउस के बाद में रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा कि उसका जो डेथ हुई वो उसी दिन हुई या उसके अगले दिन हुई, लेकिन बॉडी की हालत देख के पता चल रहा है कि शायद उसी दिन उसको मार दिया गया है। क्या नाम था बच्चे का और कितनी उम्र होगी। नाम था उसका चिराग, उसके फादर का नाम है राजेश चौहान, और उम्र रही होगी 7 और 8 वर्ष के बीच में। 7 वर्ष का हुआ, 2 महीने बाद होगा। हाँ, 7 वर्ष के आसपास की उम्र रही। तो कुछ फरौती वगैरह मांगी। हाँ, फरौती का सुनने में मिला है कि उसने 15 लाख रुपए की रकम मांगी थी अभी 3 दिन पहले, पुलिस की मौजूदगी में थी, वहाँ पे पुलिस भी थी घर पे, तो उनके सामने पैसे मांगे गए, और स्थान कहाँ पैसे पहुँचाने ये उसने अगले दिन के लिए बोला कि अगले दिन मैं बताऊँगा कि पैसे वहाँ देने हैं। इसी बीच में आज डेड बॉडी मिल गई है, और बाकी सभी लोग दुखित हैं और कुछ कह नहीं सकते इससे सबसे ज़्यादा। बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी सामने आएगा निकल के वो पुलिस बताएगी। बात तो गांव में वो शख्स कितने दिनों से घूम रहा था। हफ्ते और 10 दिन के अंतर में ही, मतलब वो आया 10 दिन पहले और 10 दिन के अंदर में ही ये सारी घटनाएँ हो गई, और उसने उस परिवार में इतना विश्वास जमा दिया कि एक भला व्यक्ति है, उस परिवार में रहना खाना पीना उनके बच्चों के साथ खेलना, तो परिवार के लोगों का एक विश्वास था, उसने जीत लिया था उसका विश्वासघात जो सामने आया है। दादा क्या नाम है आपका। मेरा नाम प्रेम सिंह और प्रधान जहानपुर। जी बताइए, आप अलीगढ़ आए हैं, एक बच्चे की बॉडी मिली है जिसको 7 साल है, क्या वजह है, कहाँ से क्या हुआ था। जी वजह कुछ नहीं, वो जो क्राइम करता है जो अपहरण करता है वो हमारे गाँव में हाईवे पर बैठा था, और वहाँ एक दो लोग बैठे थे, उनसे कहने लगा कि भाई मुझे कोई काम मिल जाए गांव में तो मैं रोटी और कपड़ों पर काम करूँगा। तो इस हिसाब से वो एक जो बंदे हैं जिनका नाम राजेश चौहान है, जिनके बच्चे का अपहरण हुआ है, तो उस उन्होंने कहा चल मेरे यहाँ रह ले, तो कपड़े लेते तो मैं ही देते रहूँगा और भैया खाना खिलाता रहूँगा। तो उनका काम कृषि का है, खेती बाड़ी का काम है, तो ये 8-7 दिन वहाँ रहा इनके पास में, और 8-7 दिन के बाद में इसने अपनी जो भूमिका थी बनाई, और वो राजेश चौहान जी अपने खेत पर ट्रैक्टर चला रहे थे, तो इसने कहा घर पे कि बेटा तू वहाँ चल फावड़ा लेके बैठ जा मेरी बाइक पे, और उसको बाइक पे बैठा लिया और मोबाइल भी लड़के ने ले लिया। तो ये खेत में न जाके गांव के मध्य में होकर निकल के, और एक छोटा रास्ता हमारे गांव से जाता है दशहरा की तरफ को, उधर को निकल गया, और ये जानकारी जब घर में बच्चों को हुई तो उन्होंने वहाँ ट्रैक्टर पर जाके पूछा कि बोल भैया आया लड़का, उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं आया, तब इसकी खोज की गई। तो फिर गाँव के बच्चे और जिस तरह के भी बच्चे वो थे क्या नाम है लड़के, सब भागदौड़ लगाई, तो ये कहीं नहीं मिला, तब जाके फिर पुलिस को सूचना दी गई। तो अपहरण किया गया था बच्चे का। अपहरण किया गया, अब क्या हुआ बच्चे का। तो अब ये कै तारीख में मारा है। 15 में उठाया जी। नहीं 15 में तो उठाया था, उसी दिन इसको कसेरू जो अलीगढ़ में पड़ता है थाना चंडोस में, वहाँ ज्वार में इसकी डेड बॉडी मिली है, और हम लोग यहाँ PM कराने आए अलीगढ़ में। तो कोई डिमांड वगैरह की गई थी किसी। हाँ, फिरौती मांगी गई। फिरौती मांगी थी, 15 लाख रुपए फिरौती मांगी थी, और अपहरणकर्ता वास्तव में ऐसा ही है, उसने पहले भी किसी बच्चे का अपहरण किया है कहीं, अब ये तो मुझे जानकारी नहीं कहाँ किया। तो अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई, अरेस्ट हुई है या नहीं हुई। नहीं, पुलिस ने अपनी भूमिका सही निभाई है, पैरवी की है पुलिस ने, और थोड़ा सा बस यही रहा कि
या तो मोबाइल की वजह से रहा हो, बंद कर लिया मोबाइल क्या रहा, तो पुलिस ने पूरी भूमिका निभाई है। तो आज बच्चे की बॉडी अलीगढ़ में मिली है। हाँ, अलीगढ़ में, अलीगढ़ का गांव पड़ता है कशेरू। हाँ।